सनसनी ऑफ इंडिया। हमारे साथ है वेस्टर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर अतुल कटियार जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर ड्रग्स के ऊपर लगाम, नाइजीरियन को डबोट और संसद के अंदर दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपाई गई है। सर अभी कल ही दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपाई गई है गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी के अंदर। सांसद प्रवेश वर्मा ने आपने पिछले 3 महीने के अंदर 150 किलो के अप्रोक्स ड्रग्स पकड़ी है, 300 से ज्यादा नाइजीरियन अफ्रीकन लोगों को डिपोर्ट किया है। ये स्ट्रेटजी कितनी आगे और चलेगी और कहां तक लगाम लग पाई है? ज्वाइंट सीपी वेस्टर्न रेंज मैंने तीनों डीसीपी को साथ मिलकर और बाकी स्टाफ को लेकर इंटरनेशनल जो हमारे रूट्स हैं और उनको आइडेंटिफाई किए और उनके द्वारा हम आरा जो लोकल कनेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। इसमें हमने ड्रग पेडलर को अपना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया उनको और उनके द्वारा हम ड्रग माफिया तक पहुंचे और उनसे फिर हमने किसी तरह उनको एक प्रकार से डकाया हमने पहुंचाए और फिर ये हमने जैसे आपने बताया कि 350 kg के आसपास हमने इसमें हो गई सीज हो गई और दूसरी जो ड्रग्स हैं ये हम लोगों ने सीज किए हुए हैं। दूसरा हमारा एक ऑपरेशन वर्चस्व चला रहा है, शंकर चौधरी डीसीपी हैं द्वारका के, उसके द्वारा भी हम क्रिमिनल्स पे जब बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे ट्रैक में आ पाते हैं। तीसरा हमारे जो सघन हम लोग पुलिसिंग चला रहे हैं, इंटेंसिव पुलिसिंग, जिसमें हमारी मेट्रो साइकिल्स, हमारी एमपीवीज हैं हमारे पास में, मल्टीपर्पज व्हीकल्स पीसीआर की टिकेट्स हो गई, रात की लगातार पुलिस जो है प्रेजेंस हो गई, इनके द्वारा भी हम इलाके में अपनी प्रेजेंस रखते हैं और जिसके द्वारा हमें सूचनाएं लगातार जनता से मिलती हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इससे बेटर कर पाएंगे। तो सर ये जो नाइजीरियन रह रहे हैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, खासकर रह रहे हैं नजफगढ़ इलाका हो गया, उत्तम नगर हो गया, मोहन गार्डन हो गया, इनके ऊपर किस तरीके से लगाम लगाई जा रही है? क्योंकि ये ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, वीजा एक्सपायर को लेके कोई रेंट पे रह रहा है और उनका कोई वेरिफिकेशन ना होने कारण इनके तजात को किस तरीके से? पहले तो हम लोगों ने इनकी सारे लोगों की लिस्ट बनाई, जो लोग यहाँ तक आए हैं ट्रेवल की है ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, उनके लोगों का फर्स्ट जहाँ पे वो रहे उनके मकान मालिकों तक पहुँचे, उनको हम लोग आइडेंटिफाई किए, यदि घर छोड़ दिए तो उनके जो दूसरे दोस्त थे उनके फ़ोन नंबर्स के द्वारा या दूसरे तरीके से हमने वहाँ तक ये जाना कि ये कहाँ कहाँ कनेक्ट है, उस कनेक्टिविटी को हमने पकड़ा और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने इनके ऊपर दर्ज डाली। और ऐसे लोग जो कि वास्तव में देश के लिए जो कहीं क्राइम में लगे हुए हैं या जिनके पास वीजा नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन पे हम लोगों ने एक्शन लिया हुआ है। जो कि आपने अभी बताया 300 से ज्यादा लोगों की 500 लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो भी शांतिपूर्वक रह रहा है चाहे नाइजीरियन हो चाहे किसी दूसरी कंट्री का हो, उनके साथ हम लोग पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और हमारा पूरा संरक्षण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे वेस्टर्न रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर अतुल कटियार। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।